यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा पहले का फोटो है और अभी यहाँ पर जो आपने देख रहे हो फोटो, ये हमारे बाद में बनाया गया है जो कि हमने फोटोशॉप से इस फोटो को एडिटिंग करके कुछ इस प्रकार से क्रिएटिव फोटो को बनाया है। तो कुछ इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से अपने फोटोशॉप में किसी भी फोटो को एडिट करके कुछ इस प्रकार से आप फोटो को बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक फोटोज है और इस फोटो को हम अभी इसमें कलर ग्रेडिंग और इसको हम फोटो एडिटिंग करके दिखाएंगे और इसको चेहरे को इसका हम जो है कि क्लीन करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस फोटो को सिंपल से आपको अपने फोटोशॉप में लेकर के चले जाना है और फोटो को जब ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपके पास देख सकते हो साइड में एक लेयर पैनल का एक ऑप्शन खुला हुआ है। अभी हम इसको कट कर देते हैं और अगर आपको पता नहीं है कि लेयर पैनल कैसे ओपन किए जाते हैं तो यहाँ पे विंडो में चले जाएंगे और विंडो में जाने के बाद यहाँ पे लेयर ऑप्शन को इनेबल करना है और लेयर पैनल जब इनेबल हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देगा आपको। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे चले जाना है इस एडजस्टमेंट टूल पे और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल से आपको चले जाना है चैनल मिक्सर में और चैनल मिक्सर में जाने के बाद यहाँ पर आपको दो तीन कलर्स दिखाई देंगे चैनल आउटपुट्स में, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू। तो सबसे पहले आपको रेड वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो कलर है वो 100 है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 50 ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको 150 कर लेना है और इसमें ब्लू में आपको -50 कर देना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आपका बैकग्राउंड पूरा ही येल्लो हो गया है और पूरा फोटो यहाँ देख सकते हो कि आपका पूरा येल्लोनेस हो चुका है। उसके बाद आपको सबसे नीचे वाले पे चले जाना है यानी ब्लू पे, और ब्लू पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको रेड में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इसको 0 ही रखना है। और ग्रीन में जा करके आपको यहाँ पे टाइप करना है, इस पर आपको नंबर देना है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो 50 दे सकते हो -15 और उसके बाद यहाँ पे 200 दे सकते हो आप। तो इतना होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आपका कुछ इस प्रकार से कलर हो चुका है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमने कलर चेंज किया इसका प्रभाव यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सब्जेक्ट यानी कि इस फोटो पर भी आ चुका है, फेस पर भी आ चुका है। तो इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं हम? इसको रिमूव करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक वाइट कलर का एक प्लेट दिख रहा है, तो इसको हम लेयर मास्क कहते हैं, मास्क थंबनेल। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है टूल्स बार में। टूल्स बार में आपको ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रश टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी एक ब्रश सेलेक्ट कर लेना है जो कि थोड़ा सा वाइब्रेंट टाइप का हो। तो अभी हमने ब्रश का नंबर साइज 100 कर दिया हूँ और ओपेसिटी यहाँ पे 100 कर दिया हूँ और फ्लो भी 100 कर दिया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो फोरग्राउंड कलर में आपको जब भी आपको इसको इस पर मास्क चलाना हो तो ऊपर में ब्लैक और नीचे में वाइट रहना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं ब्रश टूल को चलाता हूँ, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो आप कि जिस प्रकार से हमारा पहले फेस का कलर था ये कुछ उस प्रकार से हमारा पहले जैसा यहाँ पे स्किन टोन आ चुका है। कुछ इस प्रकार से आपको अपने ब्रश टूल को चला देना है। तो अभी मैं इसको फटाफट से चला देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो पहले और अभी, मैं डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ग्रीन था और यहाँ पे बैकग्राउंड इसको देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे येलो टाइप का हो चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे फेस को क्लीन करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल आपको कीबोर्ड में प्रेस करके रखना है कंट्रोल बटन को और यहाँ पर मास्क वाले थंबनेल पर आपको क्लिक करना है जिससे कि आपने जहाँ तक इसके रिमूव किया था वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करना है जिससे कि ये आपका सिलेक्शन जितना आपने रिमूव किया था उतना ही सिलेक्शन करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है क्रिएट एडजस्टमेंट टूल और उसके बाद सेलेक्टिव कलर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अगर आपको चेहरे को या स्किन को स्किन टोन को बढ़ाना चाहते हो तो येल्लो को सिलेक्ट करना है और कुछ इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप व्हाइटनेस बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से व्हाइटनेस भी बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। और तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट टूल में जाता हूँ और सेलेक्टिव कलर में जाके थोड़ा सा सबसे पहले मुझे वाइट को डिक्रीज कर देना है और ये जो येल्लो है इसको बड़ा इसको माइनस कर देना है और वाइटनेस को भी माइनस कर देना है और यहाँ पे ये जो न्यूट्रल्स है इसे भी माइनस कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से इतना हो चुका है। और अभी यहाँ पर क्या करना है मुझे लेयर मास्क को एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे सबसे पहले लेवल पे सेलेक्ट करना है और लेवल्स को
थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, कुछ इतना। तो देख सकते हो लेवल्स को एडजस्ट कर दिया और अभी ओके करता हूँ। और अभी मैं इसको ग्रुप में रख देता हूँ, तब जाके मैं आपको बिफोर आफ्टर का लुक दिखाता हूँ कि बिफोर पहले और बाद में ये कैसा हुआ करता था। देख सकते हो पहले कुछ इस प्रकार से इमेज था और अभी कुछ इस प्रकार से है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने फेस को वाइट और अपने बैकग्राउंड को एडिट कर सकते हो। तो फोटोशॉप से कुछ इस प्रकार से आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो अपने कोई किसी भी फोटोज़ के लिए। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।